is transversion. ट्रांसवर्जन में क्या होता है, जो प्यूरिन है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द पिरामिडिन. प्यूरिन इज रिप्लेस बाय पिरामिडिन. जैसे कि प्यूरिन क्या होता है, एडनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन थायमिन और साइटोसिन. ठीक है, तो यदि यहां पे एडनिन है वो किससे रिप्लेस हो सकता है, थायमिन से, और एडनिन और किससे रिप्लेस हो सकता है, साइटोसिन से भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज द प्यूरिन एंड दिस इज द पिरामिडिन. अगेन ग्वानिन की बात करें, ग्वानिन इज द प्यूरिन, तो ये थायमिन के साथ भी कर सकता है रिप्लेस, और ग्वानिन किसके साथ रिप्लेस कर सकता है, साइटोसिन के साथ भी. सेम थायमिन है वो एडनिन के साथ भी कर सकता है और ग्वानिन के साथ भी कर सकता है रिप्लेस. साइटोसिन है वो भी एडनिन के साथ कर सकता है और ग्वानिन के साथ. ओके, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन. तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये है हमारे पास नॉर्मल एक डीएनए की सीक्वेंस ए टी जी सी टी, कोई भी ले सकते हो. ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया जाए. तो अब एडनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन, थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडनिन, ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन का ग्वानिन एंड थायमिन का एडेनिन. ओके, बट यदि यहां पे जो ग्वानिन है वो किससे रिप्लेस हो जाए, साइटोसिन से, क्योंकि प्यूरिन है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, बाय द पिरामिडिन. तो क्या सीक्वेंस आएगी, ए टी जी रिप्लेस बाय सी, सी टी. एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन, थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन, कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन एंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, एडनिन. तो कंप्लीट जो डीएनए की सीक्वेंस है वो क्या हो गई है, चेंज. ऐसे म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन. क्लियर. अब हम सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं जिसका नेम है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. सेकंड इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस है उसको क्या तो हम ऐड करवा दें नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस में, या फिर वहां से हम क्या करवा दें, लॉस, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो क्या कर जाते हैं, शिफ्ट. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट. नॉर्मल क्या होता है, एडिशंस या फिर डिलीशन करवाया जाए नाइट्रोजनस बेस का इन द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. कुछ केमिकल होते हैं जो ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक्रिडिन केमिकल एंड प्रोफ्लेविन. ठीक है, एक्रिडिन एंड द प्रोफ्लेविन. तो सबसे पहले हम काम देख रहे हैं एक्रिडिन का. एक्रिडिन क्या करता है, डिलीशन करवाता है नाइट्रोजनस बेस को फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस. एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो हमारे पास है साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन. ओके, अगेन देखें कोडोन की हम बात करते हैं. ठीक है, इजी रहेगा ये समझने के लिए. एयूजी सी टी टी. ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन, सॉरी डीएनए सीक्वेंस थायमिन, थायमिन का एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड एडेनिन. दिस इज द वन कोडोन, दिस इज द सेकंड कोडोन. ओके, तो अब यदि यहां पे डिलीशन हो जाए, जो साइटोसिन है इसका क्या हो जाए, डिलीशन, या फिर ग्वानिन है इसका क्या हो जाए, डिलीशन. ग्वानिन का यदि डिलीशन हो जाए तो क्या होगा, साइटोसिन का डिलीशन हो जाए तो क्या होगा, देखते हैं. यदि हम नॉर्मल बता रहे हैं कि ग्वानिन है उसका क्या हो गया, डिलीशन, और ये कौन से केमिकल ने करवाया, एक्रिडिन ने, तो क्या होगा, ए टी कोडोन में थ्री न्यूक्लियोटाइड, तो अब थर्ड न्यूक्लियोटाइड यहां पे क्या होगा, साइटोसिन.
ठीक है। सेकेंड कोडोन में क्या बचा, थायमिन, थायमिन, और तो कुछ है ही नहीं, तो मींस के हमारे पास क्या है, ओनली एक कोडोन ही रह गया। और यदि यहाँ पे कोडोन में चेंज हो गया तो आपको पता है कि यदि जेनेटिक कोड में चेंज हो जाए तो अमाइनो एसिड है वो भी क्या होगा, चेंज। और यदि अमाइनो एसिड चेंज हो जाए तो प्रोटीन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। तो ऐसे म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे डिलीशन होने की वजह से साइटोसिन क्या हो गया, शिफ्ट, फर्स्ट कोडोन में शिफ्ट हो गया। और जो थायमिन है ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ये वाला थायमिन यहाँ पे आ गया। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है। ऐसे म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम प्रोफ्लाविन केमिकल का। ये केमिकल क्या करवाती है, एडिशन करवाते हैं नाइट्रोजनस बेस को, ऑफ नाइट्रोजनस बेस। अगेन हम यही एग्जाम्पल लेते हैं, ए टी जी सी टी टी, ठीक है। तो यदि यहां पे ये तो थी नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस के बाद, यहां पे क्या हो जाए, एडिशन हो जाए एडिनिन का, ठीक है। कौन करवा रहा है, प्रोफ्लाविन केमिकल। तो क्या होगा, देखिए ए टी जी नॉर्मल है बट